फ्रेंड्स, मैं पूजा, आप देख रहे हैं पूजा बुटीक। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंगरखा स्टाइल फ्रॉक की कटिंग। तो सबसे पहले हम जो ऊपर की होती है चोली, उसकी कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ है 15 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लेंथ, वो होगा 16 इंच लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए कि एक आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर की जो अंगरखा स्टाइल की जो चोली की कटिंग करनी है, हमारा कपड़ा वेस्ट ना जाए, तो हम पहले इसकी अखबार पर कटिंग करते हैं। तो ये हम सबसे पहले लेते हैं इसकी लेंथ, जो कि है 16 इंच। और इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। अब हम लेते हैं तीरा शोल्डर, तो वो लेते हैं हम 6.5। और मोटो की लंबाई लेते हैं 7.5। यहाँ से भी हम 6.5 इस पे एक निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरह से हम मिला देते हैं। और अब हम जाते हैं आधा इंच अंदर की ओर, और आधा इंच हमें यहाँ से जाना है डाउन। और अब हमें लेना है इनकी जो ब्रेस्ट का निशान, वो है 33। मैंने आपको बताया हुआ है 33, जब भी आप ब्रेस्ट का निशान लेंगे इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 35। 35 का हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, इस तरह से आप हाफ कर सकती हैं, वो हो जाता है 17.5। और 17.5 करेंगे, फोर्थ भाग लेना हमें, तो ये आता है हमारा 8.6। इस तरह से हम मिला देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसकी इस तरह से हम गुलाई कर देंगे और एक गुलाई हम अंदर की साइड कर देंगे, ये देखिए। और अब हमें लेनी है कमर, कमर है इनकी 27.5, तो ये होता है हमारा 28.5 एंड 29.5। तो इसका भी हमें लेना है फोर्थ भाग, ये आता है हमारा 14.6। और इसका हमने हाफ करा तो ये आता है हमारा 7.3। तो 7.3 ये निशान है, तो हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। और ये है हमारा मार्जिन इस तरह से। हम कर देते हैं इसकी कटिंग। ये हमारा एक्चुअली बैक पार्ट की कटिंग हुई है इस तरह से, तो हम पहले कपड़े पे बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारा फैब्रिक, तो ये हमारा उल्टा ही है, तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा एकदम से बराबर है। तो ये हमारा बराबर है, तो इसको हम रखेंगे। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसको कम करते हैं, इस तरह से रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं, क्योंकि जब कटिंग करते हैं कई बड़ी अखबार क्या होता है इधर खिसक जाता है। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं, इसलिए हम कर देते हैं कटिंग। तो गला हमें लेना था 3 इंच, इसी तरह हम यहाँ भी आधा इंच आपको डाउन जाना है। तो ये होगी है हमारी बैक पार्ट की कटिंग। और अब हमें करनी है फ्रंट पार्ट, तो फ्रंट पार्ट के हम पहले शोल्डर्स की कटिंग कर देते हैं। और अब हमें क्या करना है, और डाउन हमें जाना है 7 इंच का गला, एकदम से प्रॉपर तैयार रखना है हमें। तो हम लेंगे 7.5 इंच, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से
वी शेप दे देंगे, बुलाई वाला वी शेप दे देंगे। और इसके कर देते हैं कटिंग। अब हमें क्या करना है, इसको खोलना है आपको। खोलने के बाद आपको यहाँ से क्या जाना है, डेढ़ इंच या एक इंच भी जा सकते हैं, डेढ़ इंच भी जा सकते हैं। तो मैं जाती हूँ एक और डेढ़ के सेंटर में, यहाँ पे। तो ये गोलाई जो है हमारी इस तरह से जाएगी। ये गोलाई हमारी इस तरह से जाएगी। तो ये हो गई है हमारी वन साइड कटिंग। इसको करते हैं साइड में, और ये हमारे दूसरे साइड की कटिंग। ये कपड़े की मैंने सीधी साइड रखी है, तो इस तरह से हम रखेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा सेंटर का इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, और नीचे की तरफ भी लगा देंगे। ये हमारी होगी है वन साइड कटिंग। इसको करते हैं साइड में। ये मैंने सीधी साइड रख के इस तरीके लगाया है। अगर मैं उल्टी साइड रखती हूँ, बाय चांस गलती से हमारे क्या होता है कि ये इस तरह से भी कट, इस तरह से हम अखबार को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी साइड की और तरफ बन जाएगा। अगर इस तरह से रखेंगे तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है। ये आप सीधी साइड रख के काटेंगे तो बिल्कुल आसानी रहेगी, कन्फ्यूज़न नहीं होगी। राइट साइड वाला तैयार। इसको करते हैं हम साइड में, और अब हमें लेना है लेफ्ट साइड का। इस तरह से काटेंगे, और यहाँ पे हम थोड़ा मार्जिन छोड़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमारा निशान लगा लेते हैं। तो ये तो है हमारा बिल्कुल तैयार। जब हम ये उसको यहाँ पे इस तरह से हम ज्वाइंट करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो हमारे पास क्या है, इस तरह से हम इस साइड राइट साइड वाला इसको ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करेंगे तो हमारे लिए क्या है, यहाँ पे मार्जिन होना ज़रूरी है। इसलिए क्या करना है आपको, इसको आगे तक इस तरह से लेके जाना है, और इतना मार्जिन आपको छोड़ना है। ये हो गए वन साइड, और ये हो गई हमारी वन साइड, सेकेंड साइड। इसको हम इस तरह से, इस तरह से ये हमारा अटैच होगा। तो ये मार्जिन होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पाइपिंग लगा लेते हैं फ्रंट पार्ट के, जो शॉर्ट था और दोनों कलरों की हमने पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए जो हमने कट करा था, अब इसको हम रेप कटिंग करी थी और इसकी हम पाइपिंग ही निकालेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे पहले, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी को फोल्ड करेंगे अभी। और फ्यूज पर जोड़ लगाएं आप, अब इसको हम अंदर की तरफ, ये जॉइंट है इसको अंदर की तरफ करेंगे पाइपिंग के। और क्योंकि इसको अंदर करने के से पाइपिंग के हमारी गोल गोल बनती है बिल्कुल बारीक, और बिल्कुल किनारी में हम इसके सिलाई करते हुए लाएंगे। तो ये देखिए फ्यूज पेपर लगाने से क्या है कि हमारा गला जो है वो बिल्कुल ग्रेस इसकी अच्छी आती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी से पाइपिंग लगी है। और अब हम इसको जो हमने निशान लगाया था, जहाँ तक हमारा नेक था उसी निशान के बिल्कुल बराबर रखेंगे हम इसको। ये देखिए
यहाँ एक सेंटर का निशान लगा लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है। अब हम बिल्कुल ये थोड़ा मैं एक बार डार्क कर लेती हूँ और यहाँ से हम तकरीबन 1 या 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। आप चाहे तो पिनअप कर सकती हैं। देखिए जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ क्या करेंगे, हम पाइपिंग लगाएंगे, डोरी मतलब जो हमने डोरी बनाई हुई है, मैंने ये डोरी लगाएंगे इसके नीचे दे देंगे हम। ये देखिए अब हम इसके एक पैर की सिलाई और लेके आएंगे। इधर भी हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा है अंगरखा स्टाइल जो है ऊपर का वो तैयार हो गया है। अब बैक साइड की क्या है, हम रेब लगाएंगे। को हम फोल्ड कर लेंगे। और अब हम शोल्डर्स को जोड़ेंगे। देखिए मैंने फ्रॉक को जोड़ दिया है। घेरा आपको जोड़ना आता ही है। तो मेन था हमारा जो अंगरखा स्टाइल कैसे बनता है। और ये देखिए ये डोरी जो है हमने जो कमर की जो फिटिंग पे लगाते हैं, एक डोरी मैंने वहाँ लगाई थी और एक डोरी जो फ्रंट पे आपने देखी है वहाँ लगाई है। और हम इसको बांध देंगे इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारा जो है अंगरखा स्टाइल बनकर तैयार हो गया है। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।